राजधानी दिल्ली के 5-4 होटल हयात में पिस्टल लहराने वाले आशीष पांडे ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया। आशीष पांडे ने एक वीडियो जारी कर अपने सरेंडर की जानकारी दी और पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरकेपुरम पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आशीष को गिरफ्तार किया और कोर्ट से 4 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की ही रिमांड कस्टडी दी है। पिस्टल के दम पर गुंडागर्दी करने वाले आशीष पांडे ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आशीष पांडे ने सरेंडर किया। बता दें आपको कि आशीष पांडे ने दिल्ली के 5 सितारा होटल में गुंडागर्दी की थी। आशीष पांडे पर एक शख्स को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस ने अदालत से आशीष पांडे की 4 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आशीष पांडे को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर गुरुवार सुबह से हलचल बढ़ गई थी। कोर्ट में आशीष पांडे सरेंडर करने के लिए आने वाला था। बीएसपी के पूर्व सांसद का बेटा है आशीष पांडे। कोर्ट में सरेंडर से पहले आशीष पांडे ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में आशीष पांडे ने खुद को बेकसूर बताया। आशीष पांडे का दावा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए उसने पिस्टल निकाली। आशीष पांडे ने कहा कि उसे एक आतंकी की तरह पेश किया जा रहा है। तो पिस्टल पांडे का आखिरकार नशा उतर गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आशीष पांडे की 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है। दिल्ली पुलिस अब कई पहलुओं पर आशीष पांडे से पूछताछ करेगी। आशीष पांडे का कहना है कि वीडियो एक तरफ का ही दिखाया जा रहा है। आशीष पांडे का कहना है कि वीडियो उसी की साथी ने बनाई तो वायरल कैसे हो गई। आशीष पांडे आरोप लगाने वाले गौरव पर अब आरोप लगा रहा है। आशीष पांडे के मुताबिक वॉशरूम में क्या हुआ ये पुलिस जानने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि सरेंडर करना एक प्लान के तहत हुआ है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आशीष गलती मान रहा है तो फिर भाग क्यों रहा था। आशीष के बयान को पुलिस सीक्वेंस फुटेज से मैच करेगी। घटना के बाद से आशीष पांडे लगातार दिल्ली पुलिस से आखिर क्यों भाग रहा था। सरेंडर करने के लिए आशीष 1 दिन पहले ही दिल्ली आ चुका था। अगर आशीष पांडे दिल्ली आया तो वो कहां था और किसकी मदद से रुका हुआ था। अगर गौरव ने आशीष को जान से मारने की धमकी दी तो आशीष ने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। बात ज्यादा बढ़ गई थी तो आशीष ने होटल स्टाफ की शिकायत क्यों नहीं दी। आशीष आखिर मौके से फरार क्यों हुआ। आशीष पांडे के साथ मौजूद 3 लड़कियां कौन थीं?